तो दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल मोजा के फ्रेश एपिसोड में। तो आज जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बहुत ही सस्ते ब्लूटूथ की, जो अरोमा कंपनी का एक ब्रांड है। तो ये जो है मैंने ऑर्डर किया है, ये फ्लिपकार्ट से मुझे पार्सल आ चुका है। तो अभी इसको अपन फटाफट से ओपन करते हैं, फिर मैं इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका प्राइस और जो भी इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सारे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने दो पीस ऑर्डर किए हैं, तो दो जो पीस मैंने ऑर्डर किए, तो आप देखोगे ये दो पीस में से मैंने एक ब्लैक कलर का मंगाया हुआ है और एक जो है ब्लू कलर का मैंने मंगाया है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है, लगता है दोनों इन लोगों ने सेम कलर का ही भेज दिया है, अब पता नहीं। बॉक्स जो है, एक बॉक्स अच्छी कंडीशन में है और एक जो है वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ओपन है। तो जो ये ओपन वाला है, पहले इसी को ही ओपन करते हैं, इसको साइड में रखते थे। तो ओपन, रुको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इसके जो हाइलाइट्स है बॉक्स पे, तो इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ इसकी जो बैटरी लाइफ जो है वो कुछ 24 आवर्स इसका टोटल प्लेबैक टाइम है। और इसमें जो है आपको 12 mm का ड्राइवर मिल जाता है और साथ में IPX4 का, मतलब स्वेट प्रूफ भी है ये। पसीने वसीने आपको अगर आएंगे तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसमें मैग्नेट वाला सिस्टम भी है, जो ब्लैक वाला जो मैंने मंगाया है उसमें मैग्नेट सिस्टम भी दिया हुआ है, चिपक जाता है वो। अभी इन्होंने तो भाई ग्रीन कलर वाला भेज दिया है, अब पता नहीं ये वाले में मैग्नेट वाला सिस्टम है कि नहीं, बट ठीक है, अभी ओपन करते चेक करते तो मालूम पड़ जाएगा है या नहीं है। तो फटाफट से इसको निकालता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है क्वालिटी, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है इसकी। अब इसका मैं आपको प्राइस बता दूं, तो इसका जो प्राइस है वो है, ब्लैक वाला जो मैंने मंगाया है उसका जो प्राइस है 321 रुपये है। और ये आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा, इसकी एक साल की वारंटी भी आपको मिलेगी साथ में। और साथ में आप इसमें देखोगे चार्जिंग का जो है माइक्रो USB केबल दिया हुआ है इसके अंदर, और चार्जर वगैरह कुछ भी इन्होंने साथ में दिया नहीं है। बॉक्स में तो चार्जर नहीं है, खाली ब्लूटूथ आपको मिलता है। और ये ब्लूटूथ का जो है आपको 24 आवर्स आपको इसका प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और 321 रुपये इसका MRP है। फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो जो दूसरा वाला बॉक्स है वो भी खोल के देख लेते हैं। ये वाला थोड़ा प्रॉपर सील पैक है। ओके, बराबर, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ग्रीन वाला तो बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो ब्लूटूथ है उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ इतनी खास तो है नहीं, ये जो है नॉर्मल प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन आपको 300 रुपये में और क्या ही मिलेगा। 300 रुपये में आपको एक साल की वारंटी और अगर कोई ब्रांड मिल रहा है तो बहुत अच्छा। हाँ, ये मैग्नेट है इसमें, ये देखो ये इसमें चिपक रहा है, मैग्नेट वाला भी सिस्टम दिया हुआ है इसमें। और ये भी देखते हैं, हाँ ये भी चिपक रहा है। तो दोनों में मैग्नेट भी है और प्लस आपको एक साल की वारंटी भी मिलेगी। और जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में मैंने 1900 रुपये ऐड करके एक साल की और एक्स्ट्रा वारंटी ले ली, मतलब अब मेरे पास टोटल ब्लैक वाले की 2 साल की वारंटी है। तो 2 साल में अगर मैं इसको 2 से 3 बार रिप्लेस भी करवा लेता हूँ तो भी पैसे तो भाई वसूल ही वसूल है। और 321 रुपये में आपको कोई भी और कंपनी जो है वो ब्लूटूथ आपको नेक बैंड वाला प्रोवाइड तो नहीं करने वाली। ये कंपनी जो है अरोमा कंपनी है, इसका जो सोनाक्षी सिन्हा एक्टर है उन्होंने ऐड भी किया हुआ है। और प्लस इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मतलब 321 रुपये में अगर आपको 24 आवर्स, अगर उसकी 24 घंटा बैटरी प्लेबैक टाइम आपको मिल रहा है तो आपको और क्या ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट डील है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप भी जाइए परचेस कीजिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा लगा। तो दोस्तों मैंने जो है ये अभी ब्लूटूथ का साउंड टेस्ट भी किया है, तो साउंड भी इसका ठीक ही है, एकदम ज़्यादा हम इसको अच्छा भी नहीं बोल सकते। मगर जो इसकी प्राइस रेंज है 321 रुपये, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत सही है। बेस वगैरह भी आपको इसमें थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा,
बट साउंड अगर आप फुल करके कुछ एकदम ज़्यादा हैवी बेस वाला अगर कोई म्यूज़िक सुनोगे तो हो सकता है कि आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना लगे। बाकी साउंड क्वालिटी इसमें नॉर्मल गाने वगैरह मूवी देखने के लिए बहुत सही है। आप कॉलिंग वगैरह बहुत अच्छे से इस पर कर सकते हो, कॉलिंग भी मैंने करके देखी, कॉलिंग भी आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हो, बात हो जाती है बहुत अच्छे से, साउंड भी एकदम, वॉइस भी एकदम क्लियर सामने वाले को सुनाई देती है, कॉलिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है। थोड़ा म्यूज़िक, हैवी म्यूज़िक अगर आप सुनते हो तो आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके लिए जो एकदम बेस वगैरह जिनको ज़्यादा चाहिए तो वो तो ये लेकर फिर बाद में बोलना नहीं कि भाई तुमने तो बोला बहुत अच्छा साउंड है, साउंड ठीक है बहुत अच्छा नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।